गाइज ये देखिए, ये मेरे बैंक की रसीद है एंड लास्ट वीक मैंने 63,000 रुपीज़ की अर्निंग की है। ये पूरे जो जो प्रूफ्स होते हैं वो मैं मेरे इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स में हर हफ्ते का लास्ट पूरे 3 महीने के हफ्ते का 3 महीने का हर हफ्ते 3 महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 4 तो 4 तो 4 12 हफ्ते 12 रसीदें, आप उधर देख लेना हर हफ्ते, मतलब आगे भी इंशाल्लाह जब तक हैं हम तब तक आता रहेगा। एंड आप देखो जाके, एंड ये जेन्युइन है, जो पैसे दिखाते हैं स्क्रीनशॉट में वो हमारे बैंक में भी आते हैं, बैंक में, ठीक है जी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, ठीक है जी। तो गाइज मेरे हमसफर ये ड्रामा लास्ट एपिसोड बहुत बेहतरीन था, क्योंकि खुली भाई चेतावनी, खुला उसको धमकाया किसने, खुर्रम ने हाला को। अभी देखते हैं आगे क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत जबरदस्त सीन होगा नेक्स्ट वाला। सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तुम्हें क्या हुआ है, काम क्यों रही हो, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या हुआ? शैतान देख लिया तो आउजु बिल्लाह करो। कैसे भाग जाती है, नहीं नहीं चुन चुन के पागल डाले इस घर, चुन चुन के कहाँ चली गई ये, सबसे बड़ी तो यही चुन। हाँ वो मस्त चिल रहती है, चिल में रहती है, चिल रहती है, दिक्कत ही नहीं कोई इसको, क्या हाल है तुझे, उसका पर्दा फाश ही नहीं हुआ रूमी का। हाँ वो वाला दिखाई नहीं है उसका, रूम ही के रूम ही थी ये, जबकि तुम्हारे नखरे पर आधी छुरी फेंक तुम्हें तड़पने का मजा लेना चाहिए। अरे जाके सच बता दे, खत्म कर, है ना, तड़पना का इतना जो है बोल देने का। कितने ना लाजी फोटो फोटो शैतान फिर से आ गया है, वो शैतान है, कौन मेरी जिंदगी में फितना फैलाने आ गया है। खुर्रम बहुत ही डेंजर आदमी है भाई, वो उसमें भी ऐसा ही था। क्या हुआ तू, क्या हुआ, किससे बातें कर रही हो? किसी से नहीं, कुछ नहीं। क्या मतलब किसी से नहीं, मैंने खुद सुना है तुम्हें आला बातें करते हुए। क्या सुना है तुमने भाई? तुम अपने आप से बातें कर रही थी, आला रो रही थी, क्यों? अपने आप से नहीं, आला मियां से बात कर रही थी। अल्हम्मिया से क्या बातें कर रही थी? जो अल्हम्मिया से बात करते हैं वो किसी को बताते नहीं है। वो तो ठीक है आला, लेकिन क्या हो गया तुम्हें, तुम्हें सुबह बिल्कुल ठीक छोड़ के गया था यार, क्यों रो रही हो? फिर से खराब हो जाती है, ना ख्याल नहीं रखूंगी तो कैसे होगा आला? क्या
संभला हुआ ठंडे मिजाज का लड़का है खुरम। ठंडे मिजाज का है भाई, क्या मजाल है कि माथे पे उसने जरा सी भी शिकन दिखाई हो। जो कुछ भी हुआ है उसके साथ इस घर में, कोई और होता तो आप कुछ बोलेंगे नहीं? सुफिया, तुम्हें नहीं लगता हमें इस मामले की तहकीक करनी चाहिए? कौन सा मामला? यही जिसका जिक्र शाहजहान भाभी ने किया था। क्या हो गया है आपको? आप शाहजहान आपा के इल्जाम के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? बस दिल घटक गया मेरा। दिल संभालने के लिए डॉक्टर ने दवा दे रखी है। और रही बात आपा की, आपको उनका पुराना रिकॉर्ड याद नहीं है? किस किस तरह समीन के रिश्ते में मैंने रोड़े अटकाए और वो सब दूसरे तो भूल ही गए। हाला का चक्कर तो उस वैन ड्राइवर के साथ था जो दंदन आता वो घर तक पहुंच गया। इसके बारे में हमें कुछ करना नहीं चाहिए। एक यतीम बच्चा कैसे पल सकता है दादी जी? मेरी वालदा अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे। आज जो कुछ भी हो उनकी मोहब्बत और दुआओं की वजह से, वरना यतीम को देने के लिए दुनिया के पास ठोकर किसे बहुत कुछ नहीं होता। सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और तुम्हारा दर्द मेरे अलावा और कौन समझ सकता है? 8 साल की थी मैं जब मेरे अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए। बस बेटा, आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि उस दिन ना शाहजहां के तमाशे में तुमसे तो बात हो नहीं सकी। सलाम शिट। दादी आपसे इजाजत लेनी थी, हाला को कहीं बाहर ले जाओ, वो बड़े दिन हो गए घर में रह रहकर डिप्रेस हो गई। बेटा बाहर किधर? लंदन चल जाओ भाई। ऐसी कई बार कुछ खाना शाना खाने जाएंगे। ठीक है। हालांकि बहुत दिल चाह रहा था। जी दादी, मेरा दिल कर रहा था। अरे दादी सदके, दादी वारी। वारी। बच्चा बात एक तो सही, सड़कें ऐसी खुदी हुई हैं, ऐसे हचकोले लगेंगे कि अल्लाह की पना। हचकोले। इस तरह से बाहर जाना अच्छा नहीं है। दादी ख्याल से लेकर जाओ, मेरी जिम्मेदारी। कहीं बस खाना खाने जाएंगे और वापस सीधा घर। खाना क्या, होटलों का खाना खाओगे भाई? जो भी कुछ खाना है यहाँ मंगवा लो। हम आप लोग पार्क क्यों नहीं चले जाते? कौन सा पार्क? ये वही पार्क बोल रहे हैं। दादी वो डिग्री कॉलेज की बिल्कुल बैक साइड पर है, बहुत खूबसूरत फूलों की नुमाइश लगती है वहाँ पर। अरे वो तो हाला का कॉलेज था, वहाँ पर था ये पार्क, है ना हाला भाई? भाई ओ अच्छा अच्छा, फिर तो उनको पता होगा, बहुत अच्छा पार्क है। अब तो बस वहाँ फैमिलीज ही आती हैं। अब तो वहाँ बस फैमिलीज ही आती हैं। पार्क चले जाओ, मगर बेटा बहुत ध्यान से, हमजा ख्याल रखना है हाला का। ठीक है दादी, थैंक यू। ठीक है दादी, चल। ओके दादी, खुदा हाफिज़। भाई अपने कमरे में क्यों आ गई? वहीं रहती किधर? पप्पू के कमरे में। पता तो लगता है वो लड़का क्या बातें कर रहा है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो वहां क्या कह रहे हैं। रूमी वो अच्छा लड़का नहीं है, मैं समीन से उसकी शादी नहीं होने दूंगी, देख लेना। मुझे लगता है आप हड्डे डालेंगे आंटी। क्या मतलब? मतलब आप अपने आप से पूछिए। रूमी तुम बहुत बदतमीज होती जा रही हो। लेकिन ना समझ नहीं हो आप, जमीन की जान छोड़ दे और मेरे साथ शॉपिंग करने चले। अभी
पागल तो नहीं होगी? तुम्हारी इस फजूलियात के लिए मैं इस वक्त घर से निकलूंगी? दिमाग खराब है? फजूलियात? मेरी जरूरियात है अम्मी। जरूरियात? आप अपनी इकलौती बेटी के मसाइल छोड़ के किसी और के ड्रामे में लगी हुई है। बात तो सही कह रही है। आंटी क्या है इतना? चुप